मध्य प्रदेश के मौसम में इन दिनों एक साथ दो सिस्टम बनने की वजह से नौतपा बेअसर नजर आ रहे हैं। मंगलवार को नौतपा के छठे दिन भी लगभग आधे मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग में एक बार फिर से ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रीवा, नर्मदापुरम, भोपाल और सागर संभाग में भी रुक रुक कर बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक जेपी विश्वकर्मा ने बताया कि मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों में काफी बारिश दर्ज की गई और मौसम का यह हाल राजस्थान के ऊपर से चक्रवात और नॉर्थ साउथ में टर्फ के कारण हो रहा है। चंबल संभाग में बुधवार को भी ओलावृष्टि हो सकती है। प्रदेश के मौसम की बात करें तो विगत 24 घंटे में सिस्टम होने के कारण एक साउथ वेस्ट राजस्थान पर चक्रवाती परिसंचरण एवं ईस्ट से वेस्ट ट्रफ और नॉर्थ ईस्ट एम नॉर्थ से साउथ में ट्रफ, जिसके कारण से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश देखने को वो मिली है, जिसमें पथरिया 8 सेंटीमीटर, नागदा 6 सेंटीमीटर, ताल, अमरवाड़ा, रहली 5 सेंटीमीटर, गुना 4 सेंटीमीटर, छिंदवाड़ा, रीवा, ओचेरा, खुरई, मालथौन, सुजालपुर, पिपलोदा, महतपुर, बदनावर, बीरपुर 3 सेंटीमीटर। और प्रदेश में के अधिकतम तापमान की बात करें तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड नरसिंहपुर जिले में दर्ज किया गया। आगामी 24 घंटे के लिए प्रदेश पर सिस्टम विद्यमान है, जिसके कारण से गरज चमक के साथ वर्षा कुछ स्थानों पर चंबल एवं ग्वालियर संभाग में देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं इंदौर, उज्जैन, रीवा, नर्मदापुरम, भोपाल एवं सागर संभाग के जिलों में भी मिलेगी। अनूपपुर, जबलपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों में भी गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आगामी 24 घंटे के लिए चेतावनी है, ओलावृष्टि और अल्पकालिक तेज हवा आपको चंबल और ग्वालियर संभाग ने कुंभ में मिलेगी। गरज चमक एवं अल्पकालिक तेज हवा इंदौर, उज्जैन, रीवा, नर्मदापुरम, भोपाल, सागर संभागों के अतिरिक्त अनूपपुर और जबलपुर, मंडला, सिवनी जिलों में कहीं कहीं चलने की संभावना है। राजधानी भोपाल की बात करें तो शाम के समय गरज चमक की स्थिति बनेगी, कहीं कहीं वर्षा भी दर्ज हो सकती है और राजधानी का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड एवं न्यूनतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है।